हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज वन. वेलकम टू डॉक्टर वंस अगेन. तो दिस इज अ चैनल रिगार्डिंग टेक विच आई यूज एंड रिगार्डिंग ड्रोन्स, जो कि मेरे हॉबी है. और इस पर ड्रोन्स रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है. इन दोनों में से किसी में भी आपका इंटरेस्ट है टेक्स गैजेट्स में या ड्रोन्स में, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें. तो आज का वीडियो हम लाए हैं M30S और M31 के बीच में. काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि भाई साहब, हम ये M30S लें जो कि पहले लॉन्च हुआ है, और या फिर ये M31 लें जो अभी लॉन्च हुआ है. तो वैसे M31 के बारे में बता चुका हूँ, फिर भी लोगों की उत्सुकता है कि ऐसा अलग से वीडियो बने कि जिससे हमें डिसीजन लेने में, मतलब कौन सा लेना चाहिए या M31S किसके लिए है, तो वो पता लगे. तो उसी में आज मैं फोकस करने वाला हूँ इस वीडियो को. अगर आप इन दोनों में कन्फ्यूज हैं तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें. एंड में आपका क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपको M30S लेना है या M31. तो बेसिकली आपको बता दें कि ज़्यादा फर्क नहीं है M30S या M31, दोनों में से सिर्फ कुछ चीज़ों में हल्का सा फ़र्क है. और उस हल्के से फ़र्क के लिए आपसे कम से कम 3,000 या 4,000 रुपये एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं. अब मैं इसमें अपने एक्सपीरियंस से आपको बताने वाला हूँ जो मैं सोचता हूँ. बाकी आपकी थिंकिंग हो सकती है, आपकी लाइकिंग हो सकती है, मैं उसको अफेक्ट नहीं करूँगा. लेकिन जो एक्सपीरियंस और दिमाग की बात है, मेरे हिसाब से वो आपको क्लियर कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से 2,000-3,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाकर आप M31 ले रहे हैं, तो सिर्फ आपको एक चीज़ मिल रही है कि आपके फ्रंट कैमरा में आपको स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करने का अवेबिलिटी मिलेगी. और कैमरे में बताया गया कि वो इसके पिक्सल्स ज़्यादा हैं, तो एक वो डिफरेंस है. रेस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम, सेम डिस्प्ले, सेम बैटरी, प्रोसेसर का थोड़ा बहुत फ़र्क आपको महसूस नहीं होने वाला है. तो ऑन एंड ऑल सिर्फ दो डिफरेंसेस मेन हैं, वो भी कैमराज के, और वो भी एक सॉफ्टवेयर को लेके कि उसमें स्लो मोशन दिया गया है. दैट्स इट. अब उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? मेरे हिसाब से, मेरे दिमाग से, मेरे एक्सपीरियंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. तो मेरा आपसे एक सौ सुनार की एक लोहार की बात कहूँगा कि अगर आपको इन दोनों में से एक चूज करना है तो डेफिनेटली गो फॉर M30S. इट विल हेल्प यू डेफिनेटली. तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको लेना है M30S. दैट इज द बेस्ट फोन एज कम्पेयर टू M31 एज वेल. तो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सीधा सीधा आपको बता रहा हूँ कि M30S लेने का फायदा है. उसके बाद आपको, आपके पास पैसे हैं M31 के लिए, 3,000 आपके बच जाएंगे. उसमें आपको अच्छा सा ईयरफोन लेने, क्योंकि इस पे आपको मिलता है 3D Atomos साउंड विद हेडफोन्स, आप जो आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो वो आप 2,000-3,000 रुपये के हेडफोन ले लें इंस्टेड ऑफ बाइंग M31. इसमें आपको कुछ खास नहीं मिलने वाला है. तो M31 अब बात करते हैं किसके लिए, जिसको स्लो मोशन का बहुत यूज़ है. बट टेक्निकली जब आप सेल्फी ले रहे हैं तो उसमें स्लो मोशन का क्या, ऐसे वैसे आएगा, उसका कोई फायदा नहीं है. तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज यू शुड बाय M30S. इट इज़ द बेस्ट फोन. और जिस भाई के पास ये फ़ोन है कमेंट बॉक्स में लिखें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही. और एक वीडियो काफ़ी एक दो लोगों ने मुझसे पूछा था कि इसके GPS में प्रॉब्लम है, जब आप इसे गूगल मैप लगाते हैं तो मैपिंग प्रॉब्लम हो जाती है. तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है M30S में. मैं इसको यूज़ करता हूँ, काफ़ी जगह पर गया हूँ इसको फॉलो करते हुए, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, मैप अच्छे से चलता है, नो इश्यूज एट ऑल. इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन है M30S को लेके, देन प्लीज़ राइट नाउ इन द कमेंट बॉक्स, और लाइक कर दें वीडियो और शेयर कर दें, ताकि बाकी सब लोग को भी क्लियर हो जाए कि M30S ही लेना चाहिए. एंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट फोन टिल नाउ. इससे अच्छा फ़ोन मिड रेंज में कोई नहीं निकला है. वो आपको पसंद आएगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट जरूर करें कि आपके सब कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है M30S से. और कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इस पर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैं जरूर बनाऊंगा. और अपडेट आने वाली है इसकी, जब जैसी अपडेट आएगी तो आई विल अपडेट कि इसमें अपडेट आ चुकी है और क्या क्या उसमें खास आने वाला है एंड्रॉयड 10 में, तो उस पर बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच. स्टे हेल्दी एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम कोरोना वायरस.